मेरा जो आपसे मैं बात कर रहा था तो वो बताने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से कैटेगरीज पूछता हूँ कि क्या कैटेगरी है, कहाँ से आए हो, किस क्लब से खेलते हो। अच्छा, मेरा ये काम नहीं है। हमें भी जब क्रिकेट खेली थी तो थोड़ा सा हमारे बड़ों का अंदाज़ अजीब सा था, जो कि मुझे लगता था वो रंग नस्ल ज़ात पात किस कम्युनिटी से है, किस ग्राउंड से है, किस का बच्चा है, कहाँ से आया है, किसकी सिफारिश है। मैं उन दिनों में बहुत अपने कैरियर में बहुत देख चुका था, मगर आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ आज नहीं देखा जाता। आज मैं अपनी टीम की गारंटी ले रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ पूरा पूरा जस्टिफाई करूँगा। मुझे पता है जब मैं नीचे जाऊँगा ना 6 फुट के गड्ढे में, तो मुझे पता है जवाब देना पड़ेगा। वो ये पूछेगा कि इस बच्चे के साथ आपने ज्यादती क्यों की। वो पता था कि आपके लिए अहल था, आपकी टीम के लिए रिक्वायरमेंट थी, मगर आपने उसके साथ ज्यादती क्यों की। तो इस डर की वजह से, खौफ खुदा की वजह से, हमें भी अपने रब को शक्ल दिखानी है, हमें भी अपने आमाल पेश हमारे होंगे तो हमारा भी हिसाब किताब होगा। तो कम अज़ कम सही तो हो, जो आज आप बच्चों के साथ मैं ज्यादती नहीं करूँगा तो मुझे पता है कल हमारे साथ भी नहीं होगी। तो इसी वजह से इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, खुदा के वास्ते दिल में कोई नहीं रखिएगा कि मैंने आप लोगों के लिए इस तरह कोई बनाया या मेरी टीम ने आपके साथ कोई तअस्सुब का शिकार किया है। बिल्कुल हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप लोग अपने माँ बाप की जितनी लगाई हुई पैसा है, मेहनत है, या वो आप लोगों को वक्त देते हैं, मैं चाहता हूँ आपका वो ज़ाया ना जाए, वो फ़ायदे में हो, ऊपर जाए, लड़का खेले, डिपार्टमेंट के लिए खेले, रीजन के लिए खेले, या जो अभी ने 6-7 टीमें बनी हैं, जो हमारे पीएम साहब ने एक सिस्टम लॉन्च किया है 6-7 टीमों का, तो वो उसके लिए जो लेवल 1-2 टीम बनती है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीम बनती है, तो कम अज़ कम उन दो लेवल के लिए आपको अहल तो हो। सो मेरा मेन मकसद है आज आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ अंदर देखना है, और आप लोगों का मकसद है, आप लोगों का सिर्फ एक ही हमारे साथ वो होना चाहिए, कॉपरेट होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप, हम जितने भी आप लोगों को बताते हैं, SOPs के साथ चल के क्रिकेट खेलें, ताकि कोविड, हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। वैसे भी हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हमें अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा एक चीज़ दी हुई है कि हम जितना भी अपना ख्याल रखेंगे हमें उसका भी फ़ायदा होगा। तो कोशिश करना कि इस प्लेटफॉर्म से जितना हो सके फ़ायदा उठाना। इस जो हमारे चीफ हैं साकिब इकबाल साहब ने जो पिछली दफ़ा एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया था, उससे बहुत से लड़कों का फ़ायदा होता, और आज भी ये दोबारा हम लोग इसी काविश की तरफ जा रहे हैं कि हम आप लोगों को दें, मकसद दें, मैचेस दें, आप लोगों को ग्राउंड दें, आप लोगों को पूरी फैसिलिटेट करें, ताकि आप लोग पूरा अपना इंजॉय कर सकें। ठीक है ना, ये मेरी आज आप लोगों से बात करने का मकसद यही है कि अपने आप को लेट डाउन नहीं करना, अपने आप को गिराना नहीं। सिलेक्ट नहीं हुए हमसे आगे पूछना, सिलेक्ट हुए फिर भी हमसे पूछना, मगर ये पूछना ज़रूर कि सर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो अगले साल जब आप लोग कराएंगे या कहीं और इवेंट होगा तो हमें क्या करके आना चाहिए, हमें क्या ऐसा काम करने आना चाहिए कि आप लोगों के हम सिलेक्ट हों। क्योंकि सिलेक्शन के लिए चंद बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, वो हम लोग देखते हैं लड़के में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।